Hey art lovers, welcome back to my channel. It's Monica. तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं एक मैट बनाने जा रही हूं, जिसे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से यूज कर सकते हैं, जैसे प्लेस मैट, डोर मैट, वॉल डेकोर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैट बनाने के लिए हमारे पास वाइट रस्सी, जूट रस्सी, ग्लू रन और एक पुराना मोटा फैब्रिक होना ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे पुरानी टॉवल पड़ी हुई थी, उसको इस्तेमाल किया है फैब्रिक की जगह पर। हमें इस फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है और सर्कल में कट कर लेना है। आज की मैट को मैं राउंड शेप में बनाऊंगी। पूरा सर्कल ओपन करने के बाद इसके लास्ट वाले हिस्से को सुई धागे की हेल्प से स्टिच कर लेना है, जिससे हमारे फैब्रिक के जो थ्रेड हैं वो निकलेंगे नहीं और ये और मजबूत बन जाएगा और ज़्यादा टाइम चलेगा। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग वाइट रस्सी से की है, उसे अपनी उंगलियों की हेल्प से राउंड शेप में बना लेना है और ग्लू की हेल्प से उसे चिपका देना है। और जब तक हमारी ग्लू रन अच्छे से गर्म ना हो जाए तब तक हमें उसका यूज़ नहीं करना है, नहीं तो जो हमारी रस्सियाँ हैं वो अच्छे से चिपकेंगी नहीं और छूट जाएंगी। इसलिए ग्लू अच्छे से मेल्ट होना चाहिए, अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए। एक राउंड कंप्लीट होने के बाद हमें जूट रस्सी को भी लगाना स्टार्ट कर देना है। दोनों रस्सियों को राउंड राउंड शेप में वन बाय वन लगाते जाना है। जूट रस्सी और वाइट रस्सी आपको आसानी से किसी भी हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगी। रस्सी को चिपकाते समय हमें यह ध्यान रखना है कि रस्सी के बीच में कोई जगह ना छूटे और ग्लू लगाने के साथ साथ हम उसे हाथों से प्रेस भी करते जाएँ, जिससे ये अच्छे से स्टिक हो जाएगा और अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ये प्रोसेस देखने में जितना इजी है, करने में भी उतना ही इजी है। पर हाँ, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पर आपको बनाने के बाद उसके रिजल्ट भी उतने ही सुंदर मिलेंगे। इसी तरह से धीरे धीरे हमें लगभग पूरे सर्कल को कंप्लीट कर लेना है। आप देख सकते हैं कि अभी से कितना सुंदर लग रहा है। इस तरह की मैट के बहुत से डिजाइन बन सकते हैं, पर जो मैं बना रही हूँ वो सबसे ज्यादा ईजी है। मैंने ये ईजी डिजाइन इसलिए लिया कि जिससे इसे कोई भी आसानी से बना ले। सर्कल कंप्लीट होने के बाद लास्ट की डिज़ाइन में हम कुछ चेंजेस लाएंगे। वाइट वाली रस्सी को हमें एस शेप में मोड़ना है और ऊपर और नीचे के पॉइंट को चिपकाते जाना है। इसी एस शेप की डिज़ाइन को हमें पूरी तरह से सर्कल का एक राउंड कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट होने के बाद जूट रस्सी की हेल्प से 3 से 4 राउंड और लगाने हैं, जिससे ये और ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाएगा और ज़्यादा टाइम चलेगा। अब आप देख सकते हैं ये हमारी मल्टीपर्पज मैट बनके रेडी हो चुकी है। लास्ट में हमें एस डिजाइन, जो हमारी एस डिजाइन थी, उसके बैक साइड में जो फैब्रिक लगा हुआ है उससे सीजर की हेल्प से
कट कर लेना है जैसे मैं कर रही हूँ। कट होने के बाद अब ये फाइनली पूरी तरह से रेडी हो चुका है। मैं तो इसे प्लेसमैट की तरह यूज़ करने वाली हूँ। आपको ये कैसा लग रहा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम अपना दूसरा DIY स्टार्ट करते हैं। ये एक प्लांटर स्टैंड बनने जा रहा है। मैंने एक बॉटल में मनी प्लांट लगाया था जो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसे ही थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया जाए, वो भी वेस्ट मटेरियल से। तो मेरे पास ये एक कार्डबोर्ड था तो मैंने इसका यूज़ किया है। आपके पास भी अगर जो इस तरह का कोई कार्डबोर्ड हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इसे मैंने बॉटल की लेंथ के हिसाब से कट कर लिया है। आप इस तरह से किसी भी पुराने स्टैंड को नया बना सकते हैं। कार्डबोर्ड को बॉटल की लेंथ के अकॉर्डिंग कट करने के बाद मैंने इसमें एक्रेलिक कलर्स की हेल्प से इसे कलर कर लिया है। कलर के मैंने यहाँ पे 2 कोड अप्लाई किए हैं। कलर अच्छे से ड्राई होने के बाद कार्डबोर्ड के लास्ट वाले पार्ट को ग्लू की हेल्प से स्टिक कर देना है। मेरे पास एक जूट लेस रखी हुई थी जिसका यूज़ मैंने सेंटर में किया है। इस तरह की कोई भी लेस आपके पास ज़रूर पड़ी होगी, अगर जो नई भी मिलती, मेरे पास इस तरह की कोई भी लेस जो मेरे पुराने कपड़े होते हैं उनमें कोई लेस लगी होती तो मैं उसे फेंटने से पहले उसके लेस को निकाल लेती हूँ और इस तरह से उसका यूज़ कर लेती हूँ। इसी तरह से एक लेस मेरे पास वाइट थ्रेड की ये लेस थी, इसको मैंने ऊपर लगा दिया है और जूट की रस्सी को नीचे लगा दिया है। उसको मैंने 3-4 राउंड में कंप्लीट कर लिया है जिससे कार्डबोर्ड के जो रफ वाले पार्ट थे वो अच्छे से कवर हो रहे हैं और अब ये देखने में अच्छा लग रहा है। मेरे पास ये एक नेम बोर्ड था जो हमें इन्विटेशन कार्ड में लगा मिलता है, इसका यूज़ मैं यहाँ पे कोटेशंस लिखने के लिए करूँगी। मैंने इस पर एक जेसो का कोड अप्लाई कर दिया है जिससे इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा रफ़ हो जाएगा और हमारा कलर अच्छे से इस पर चिपक जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लव क्रोज हियर लिखा है और 3D लाइनर की हेल्प से इसे डेकोरेट कर दिया है। तो अब हमारा ये प्लांटर स्टैंड बन के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि अब ये मनी प्लांट का पेड़ कितना सुंदर लग रहा है। मैं इसे कहीं भी रख सकती हूँ। आपको ये कैसा लग रहा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।